गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कौन से टॉपिक पे है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाते हैं और जल्दी से यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ओपन करने के साथ हमें नीचे प्लस का आइकन दिखेगा, तो उसे हमें टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट और शॉर्ट्स का ऑप्शन है, हमें उसे टैप करना है। उसके बाद देखिए ऊपर में वहाँ 15 सेकेंड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसे हमें 60 सेकेंड कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो भी क्लिप आपको पसंद है वो क्लिप पर जाके उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम ऐसे कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे नीचे में डन का ऑप्शन है, तो हम डन कर देंगे। उसके बाद गाइस थोड़ा सा टाइम लेता है वीडियो लोड होने में, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। तो देखिए गाइस वो जो क्लिप हमने ऐड करी थी वो ऐड हो चुकी है। यहाँ से डन कर लेना है हमें। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे म्यूज़िक लगाना है। तो देखिए म्यूज़िक कैसे लगता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे साउंड का ऑप्शन जो है उसे प्रेस करना है। उसके बाद फिर जो सा भी साउंड आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो आपको साउंड सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी एक जो आपको पसंद आए। या फिर ऊपर में सर्च का भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ से भी गाना लिख करके सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं देख लेती हूँ सबसे ट्रेंडिंग में कौन गाना चल रहा है। आप कोई सा भी गाना इसमें सेलेक्ट करके चूज कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट्स में कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता है। जी हाँ, शॉर्ट्स में कोई कॉपीराइट नहीं लगता है बॉलीवुड सॉन्ग्स में। तो गाइस देखिए मैंने ये वाला सिले, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी लोडिंग हो रहा है। उसके बाद देखिए ये सॉन्ग के साथ आपका वीडियो चलने लगेगा। तो इसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी होते हैं जो पहले से वीडियो में आते रहते हैं, जो हमारे अगल बगल में नॉइज आते हैं, तो उसे हमें क्या करना है कि नीचे जो वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को फोर्थ नंबर पे, तो हमें उससे जाके ओरिजिनल वाला जो साउंड है, जी हाँ, उसे ऑफ कर देना है बिल्कुल भी। उसके बाद नीचे फिर स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। तो गाइस देखिए वीडियो हमारी रेडी हो गई। अब इस पर थंबनेल लगा लेना है। तो थंबनेल लगाने के लिए सबसे पहले पेन का आइकन टैप करना है। उसके बाद आपको कोई सा भी नीचे से फोटो स्क्रॉल करके लगा लेना है। तो मैं चूज़ कर रही हूँ ये पार्सल वाला, ताकि कोई भी देखे तो उसको एक्साइटमेंट हो देखने के लिए कि अरे ये पार्सल आया तो इसमें क्या होगा, है ना। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी जो सा, तो गाइस देखिए मैंने कैप्शन लिख लिया है, और उसके बाद नीचे अपलोड शॉर्ट्स का ऑप्शन है, तो वहाँ से जाके हम उसे अपलोड कर देंगे। एंड वीडियो जो है हमारी वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। नीचे जो ऑप्शन है सी वीडियो पे, वहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि वीडियो की परसेंटेज कितनी हुई है, कितनी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो हम लोग सी वीडियो पे टैप करके देख लेते हैं। तो गाइस देखिए वीडियो जो है वो हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे परसेंटेज आपको बताया जा रहा है कि कितनी वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे गाइस आपके वीडियो जो है वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि जितनी फास्ट आपकी नेट की स्पीड होगी उतनी फास्ट वीडियो अपलोड होगी। तो गाइस देखिए मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो को प्ले करके भी देख लेते हैं कि वीडियो सही से चल रही है कि नहीं। क्या होता है ना, कभी कभी नेटवर्क ख़राब रहता है, इसकी वजह से वीडियो ना थोड़ी बड़ी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो हम देख लेते हैं, जी वीडियो हमारी अच्छे से अपलोड हो चुकी है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अगर सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।